नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास, पक्ष में 311 जबकि विपक्ष में पड़े 80 वोट। सोमवार को दिन भर चली बहस के बाद लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। लंबी बहस के बाद देर रात हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 311 वोट जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े। इस बिल के पास होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाइयों को भारत में शरण देना और अधिकार देना भारत का कर्तव्य है। भाजपा ने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था तथा जनादेश ने इस पर मोहर लगाई थी। हालांकि उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज किया कि यह मुस्लिमों के खिलाफ है। उन्होंने भारत में रह रहे किसी भी मुस्लिम के लिए इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए कहा कि यह असंवैधानिक करार दिया गया है। इस पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है, न ही ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो मुझे यह बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। सदन को ये स्वीकार करना होगा कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। जिस हिस्से में ज़्यादा मुस्लिम रहते थे वो पाकिस्तान बना तथा दूसरा हिस्सा भारत बना। कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक को असंवैधानिक तथा संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया तथा कहा कि इसमें न केवल धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है बल्कि यह सामाजिक परंपरा तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि के भी खिलाफ है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इसे संविधान के लिए काला दिन बताया। ओवैसी ने फिर से देश को बांटने वाला बिल बताया है। विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत की सदियों पुरानी परंपरा तथा मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है। मोदी ने उन सांसदों और पार्टियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसे पास कराने में अपना समर्थन दिया। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।